Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss new topic under journal, that is expenses on purchase and sale. इस heading का क्या मतलब है कि जब भी कोई company किसी भी asset या goods को खरीदती, purchase करती या sale करती, बेचती है, तो उस time जो हमारे खर्चे होते हैं, उसको हम कैसे show करते हैं? So let us start with question number 13th. And question number 13 is past journal entries. First transaction is goods purchased for rupees 10,000. Carriage on purchase rupees 200. Goods purchased for 10,000. मतलब company ने goods purchase की 10,000 की. तो ये entry हमने पहले भी सीखी हुई है. Purchases account debit to cash account. Cartage on purchase rupees 200. कार्टेज होता है किराया. जब गुड्स को हमने मंगवाया तब हमें जो किराया पे करना पड़ा दैट इज रुपीस 200. जब भी हमने गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पास करना है, गुड्स की ओरिजिनल अमाउंट को सेपरेट दिखाना है, एक्सपेंसेस को सेपरेट दिखाना है. अब इस केस में आप कंबाइंड जर्नल एंट्री भी डाल सकते हैं, आप सेपरेट भी डाल सकते हैं. अगर मैं सेपरेट देखूं तो पहले था गुड्स परचेज फॉर रुपीस 10,000. 10,000 की गुड्स को खरीदा गया. परचेजेस हमारे खर्चे हैं, खर्चे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इसकी एंट्री बन जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर कुछ ना कहा जाए मतलब कैश देके पैसे की पेमेंट की है. कार्टेज ऑन परचेज रुपीज 200. कार्टेज होता है किराया. खर्चा, खर्चा हमेशा पैसों में दिया जाता है, तो इसकी एंट्री बन जाती कार्टेज टू कैश. आप चाहें तो जर्नल के फॉर्मेट में दोनों एंट्री सेपरेट भी डाल सकते हैं या कंबाइंड करके भी डाल सकते हैं. कंबाइंड कैसे होगी, इसके क्रेडिट में क्या आ रहा है कैश, इसके क्रेडिट में भी क्या आ रहा है कैश. तो देखते हैं कंबाइंड एंट्री कैसे बनती. गुड्स को खरीदा है, खर्चे हैं डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट एज पर द नॉमिनल रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कार्टेज खर्चा है, अगेन नॉमिनल का रूल लगा डेबिट कर दिया. कार्टेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदी कैश बाहर गया, कार्टेज पेमेंट की कैश बाहर गया टू कैश अकाउंट. रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आप कंबाइंड भी डाल सकते हैं, आप दोनों एंट्रीज को सेपरेट भी डाल सकते हैं. अगर आप सेपरेट डालते तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200, 200, वो भी ठीक है. अगर मैंने कंबाइंड डाली है तो परचेजेस 10,000, कार्टेज 200, दोनों को प्लस किया, अल्टीमेटली कैश कितना बार गया 10,200. कंबाइंड भी डाल सकते हैं, ये आपकी विश है. दोनों प्रोस्पेक्ट से एंट्री बिल्कुल सही होगी. बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कार्टेज पेड, ब्रैकेट क्लोज, एंट्री बंद कर दी. सेकेंड एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 8,000, सेल्स कमीशन पेड रुपीज 320. अब ये एंट्री थोड़े से ध्यान से समझना. गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000, गुड्स को बेचा गया है 8,000 कैश के लिए, मतलब कैश आ गया और गुड्स गई. कैश आ रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ गया. गुड्स हमारे लिए इनकम का सोर्स है क्योंकि इसको हमने बेचा है. सो सेकंड आ गया सेल्स. सेल्स कमीशन पेड, पेड वर्ड है, सेल्स कमीशन पे किया गया. अब सेल कमीशन देना हमारे लिए खर्चा है, सो कमीशन को हमने डेबिट कर लिया. अब कैश बाहर जा रहा है, पेमेंट हो रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सो कैश बाहर चले गया. अब इसमें एक एंट्री में कैश आ रहा है जब गुड्स बेची है, एक एंट्री में कैश जा रहा है जब कमीशन पे की. सो ऐसी एंट्रीज को हम कंबाइन नहीं कर सकते, इसको हमें सेपरेट ही शो करना पड़ता है. सो सेकेंड ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज पड़ेंगी. गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000, गुड्स को बेचा गया 8,000 कैश के लिए. सो कैश आ गया, रियल अकाउंट में एसेट जब आती है तो उसको डेबिट करते हैं. सेल्स हमारे लिए इनकम है, सो क्रेडिट कर दिया और नरेशन लिख ली बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट.
सेकंड है सेल्स कमीशन पेड ₹320, कमीशन पे किया गया है 320, जब कमीशन खर्चा है पे किया जाता है तो पैसा बाहर जा रहा है, सेल्स कमीशन पे किया है सो डेबिट में लिख लिया सेल्स कमीशन, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली सभी एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और खर्चा हमेशा कैश में पे होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश बाहर चले गया। बीइंग सेल्स कमीशन पेड ₹320 डेबिट में, 320 क्रेडिट में, एक सिंगल एंट्री लगा के एंट्री को बंद कर दिया। सेकेंड एंट्री में पता लग गया ना कंबाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमने गुड्स बेची तो कैश आ रहा था, जब हमने कमीशन पे किया तो कैश जा रहा था, सो दोनों एंट्री में सेपरेट सेपरेट कैश है, एक में इन हो रहा है एक में आउट हो रहा है, तो इसको कंबाइन नहीं कर सकते। पहली वाली ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदी पैसा बाहर गया, कार्टेज खर्चा दिया पैसा बाहर गया, तो दोनों केसेस में कैश बाहर जा रहा था, जब बाहर जा रहा था तो हमने इसको कंबाइन कर दिया। क्लियर। थर्ड ट्रांजेक्शन मशीन परचेज ₹50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000। अब ये एंट्री इम्पॉर्टेंट है, मशीन हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट। अब एसेट के ऊपर जितने भी खर्चे उसको खरीदने के टाइम हम करते हैं सभी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। इस क्वेश्चन के बाहर जाके हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया फ्रॉम लुधियाना, फॉर एग्जाम्पल द रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट थी 40,000। अब हमने रेफ्रिजरेटर 40 का खरीद लिया, अब लुधियाने से हमारे घर तक, हमारा घर अमृतसर में है तो अमृतसर तक उसको लाने के लिए खर्चा, डिलीवरी चार्जेस पड़े, फिर वो हमारे घर में आए उसको रख कर भी गए, सब कुछ किया तो थोड़े बहुत और चार्जेस लग गए, मतलब आने जाने का सब कुछ उन्होंने मिलाकर 5,000 हमसे और ले लिया। सो 40,000 का रेफ्रिजरेटर पहले था, 5,000 उसने और ले लिया, हमारे लिए रेफ्रिजरेटर कितने का हो गया, 45,000 का। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके लिए रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ा, तो सिंपल हम उसको बोलेंगे कि हाँ जी हमें तो ये 45 का पड़ गया। मतलब जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं सो उसको परचेज करते टाइम जो भी आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं सब कुछ ही उसमें इंक्लूडेड होता है। सो जब गुड्स का केस आएगा तो आपको सभी खर्चे सेपरेट शो करने हैं, बट जब किसी एसेट की बात आएगी तो आपको उसी के अंदर सब कुछ शो करना पड़ेगा। सो थर्ड एंट्री थी मशीन परचेज ₹50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000। मशीन खरीदी गई 50,000 के लिए, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा गया 3,000 का, सो 50 + 3 53,000, मतलब टोटल मशीन कितनी की होगी, 53,000 की। मशीन एक एसेट है, एसेट के ऊपर रियल का रूल लगता है, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीन खरीद ली, अब कुछ नहीं गिवन तो मतलब पैसे दे के खरीदी है, कैश बाहर जा रहा है, सो एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीन परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, एंट्री क्लोज। 50,000 + 3,000 53,000, तो ये आपके पास आ गया 53,000 डेबिट में, 53,000 क्रेडिट में, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं, सो 10,000 + 200 + 8,000 + 320 + 53,000, तो ये आपके पास टोटल आ गया 71,520। सिमिलरली क्रेडिट का करें 10,200, 8,320, 53,000, ये भी आपके पास आ गया 71,520। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ जर्नल रिलेटेड टू एक्सपेंसिज ऑन परचेज एंड सेल।